आम आदमी तो सोचते हैं ना कि भी जज तो जज है ना, चाहे वो एक का फैसला हो या तीन का। चीफ जस्टिस साहब को ये खतरा लाहक हुआ कि जो उन्होंने एक तवाजुन अपने हक में बनाया था, ये तो तवाजुन खत्म हो गया। क्या उनकी ख्वाहिश के ख्वाहिश बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे बायस है, बिल्कुल बायस। इस हुकूमत की सुस्ती है, कितनी बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी हुई आप लोगों ने, खामोशी इख्तियार की। चीजों पे हम परसू करके भी हमें इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ दिया ना वो, कितने नवाज शरीफ साहब को इलाज की इजाजत दी तो इंसाफ हो गया ना। ये इंसाफ है इजाजत देना भी तो ना, ये इंसाफ है। उनकी वजारत उज़्मा खत्म की। बाजवा साहब कह गए 70 साल से मुदाखलत है, आप लोग कह रहे हैं 70 साल से मुदाखलत है, पीपी कह रही है मुदाखलत है, तो ये बड़ी गफलत नहीं है सियासी पार्टियों की कि मुदाखलत के बावजूद भी कठपुतली की तरह पार्लियामेंट में आ जाते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं और खामोश रहते हैं। सिविलियंस ने जहाँ कोशिश की उनको दबा दिया, कत्ल भी कर दिया गया। ये तारीख उठा कर देखें, ऐसे प्रोजेक्ट इमरान खान जो आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये वाकई भी है, मिसाल के मैं हो सकता ना तस्लीम, अगर है तो आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट इतनी कमजोर है कि वो अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराने में सिर्फ 4 साल में नाकाम होगी, वो तो लंबा ट्रेन में चला सकते नहीं, थे। नहीं, जिस बंदे पे उन्होंने सारा सरमाया लगा दिया और उनका ख्याल था कि ये पासा सोना है, वो पीतल निकला अच्छा, और उसमें इनकी असेसमेंट गलत साबित हुई, तभी उन्होंने पीडीएम चुन ली। पीडीएम क्यों चुन ली? आरो सब दे दें, सारा एनआरओ दे दें, फिर आगे क्लीन स्लेट से आगे जाए ना। वो तो दिया था ना मुशर्रफ ने सब पार्टियों के एनआरओ, फिर तो हल नहीं हुआ ना मामला। देखिए मुशर्रफ का एनआरओ कोई एनआरओ नहीं था। या नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं कि क्या वो उमरे के लिए तो जा रहे हैं, माह रमजान के आखिरी हशरे में इतलात हैं सऊदी अरब, तो इसका मतलब उनकी सेहत काफ़ी ठीक होगी, वो सफ़र करने जैसे हैं, तो ईद इधर करने आ रहे हैं। मैं इस बात इस इम्कान को रद्द नहीं करता कि वो वहाँ से यहाँ आ जाए। अच्छा, आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं।